अब ये कैसी लीला है? अद्भुत, ये लगातार बहता जल अवश्य ही प्रभु की कोई लीला है। ये कैसा चमत्कार है आर्यपुत्र, लोटे में जल बहुत कम था किंतु ये जलधारा तो निरंतर बहती जा रही है। प्रभु को इतना आनंदित और प्रसन्न देखने का अवसर कभी कभी ही प्राप्त होता है और भोलेनाथ तभी ऐसे दिखते हैं जब वे किसी से बहुत अधिक प्रेम करते हैं। अभी नहीं खा सकता माँ। नहीं मेरे लाल, अन्न प्राशन के पश्चात। और वैसे भी जल अभिषेक के पश्चात सबसे पहले भोग भगवान को ही लगाया जाता है। स्वामी तो यहाँ कैलाश से ही आंजने की नटखट और मधुर बाल लीलाओं का आनंद ले रहे हैं। मुझे भी तो कुछ करना चाहिए ना, परंतु मैं क्या करूं? मैया, आप गौरी, आपका वाहन गैया और उसका बछड़ा। नंदी, गौरी और गैया तो समझ में आया, परंतु ये बछड़ा बीच में कहां से आया?
मैया वो बछड़ा मैं हूँ। वो क्या है, आंजनी से मिलने की मेरी भी प्रबल इच्छा है, अगर आप आज्ञा दें। जय हो माते। सच में माँ अपनी संतान के प्रेम में क्या क्या नहीं करती। और जब बात जगत जननी गौरी की हो तो कहना ही क्या। हमारा पुत्र ये जो चमत्कार कर रहा है, तुम्हें नहीं लगता हमें इसके रहस्य का पता लगाना चाहिए? जन्म लेते ही हमारे पुत्र के शरीर से निकलता हुआ वो अद्भुत तेज, उसके नन्हे पैरों की चोट से धातु पात्र का पचक जाना, उसके गिरने से शिला का टूटना और हवन पर उसके शरीर से निकला वो दिव्य प्रकाश, असाधारण रूप से उसका प्रतिदिन बढ़ना, सोते समय इसकी सांसों से गूंजता राम नाम, और आज का चमत्कार लोटे से लगातार निकली जा रही जल की धारा, आप ठीक कह रहे हैं ना? मैं भी जानना चाहती हूँ कि ये सब चमत्कार क्यों और कैसे हो रहे हैं। किंतु यह रहस्य जानने के लिए किसके पास जाएं? किससे पूछें? गौरी की ये गैया उत्तर देती सारे, पूछो जो भी प्रश्न मन में हो तुम्हारे। माँ, तप किया तूने कठिन, पाया शिव जी का वरदान, मन की चाह हुई पूरी, लाला होगा अब बलवान। नाथ, गौरी की गैया। मैं अभी उनको बुलवाता हूँ। गौरी की ये गैया उत्तर देती सारे, पूछो जो भी प्रश्न मन में हो तुम्हारे।
केसरीनंदन। डरो नहीं बेटी, सींग नहीं माती गौरी की गैया, युवराज को खेलने दो। देखो लल्ला, ये है गौरी की गैया, ये है गौरी की गैया, ये है गौरी की गैया। और ये है गैया का बछड़ा, ये है गैया का बछड़ा, ये है गैया का बछड़ा, ये है गैया का बछड़ा। पूछिए ना, तुम पूछो ना। गौरी की ये गैया उत्तर देती सारे, पूछो जो भी प्रश्न मन में हो तुम्हारे। हम जानना चाहते हैं कि हमारे पुत्र में जो राम नाम बस गया है, उसका इसके साथ क्या संबंध है? मैं राम, राम, राम। राम, राम। बेटी, गोद भराई में सुहागन ने तुम्हारे पुत्र के लिए दिया था एक तारक मंत्र और आशीर्वाद, कुछ स्मरण आया? भक्त ध्रुव को नारद जी ने द्वादशाक्षरी मंत्र दिया, किंतु तुम्हारे लाल के लिए जगत को तारने वाला दो अक्षरों का तारक मंत्र है राम। वही राम नाम तुम्हारे लल्ला का तारक मंत्र है। जो अब इसकी सांसों में बस गया है। भगवान भोलेनाथ की इच्छा अनुसार तुम्हारे पुत्र का जन्म विष्णु अवतार श्री राम की सहायता के लिए हुआ है। युवराज का जन्म तो बड़े बड़े कार्य करने के लिए हुआ है। इनके चमत्कारी कर्तव्यों पर तो सारा संसार चकित और मोहित रह जाएगा। उचित समय आने पर तुम अपने लल्ला को राम की कथा अवश्य सुनाना, किंतु मुझे कैसे ज्ञात होगा कि उचित समय कब है? उचित समय का ज्ञान वही तुम्हें देंगे जिनकी विशेष कृपा है तुम्हारे लल्ला पर। किंतु अपने इस तेजस्वी पुत्र के भविष्य से जुड़ी ये बातें
किसी के समक्ष प्रकट मत करना। उचित समय का ज्ञान वही तुम्हें देंगे जिनकी विशेष कृपा है तुम्हारे लल्ला पर। किंतु अपने इस तेजस्वी पुत्र के भविष्य से जुड़ी ये बातें किसी के समक्ष प्रकट मत करना। तुम्हारा तेजस्वी पुत्र शिवान। शिवान 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 शिवांश।